आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, आनत कोण थीटा वाले नत तल पर एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा से चलती हुई गिरती है तथा पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करती है। यदि यह तल पर एच ऊंचाई से गिरी हो तो नत तल पर टक्कर बिंदु से कितनी दूरी पर वह दोबारा तल से टकराएगी, हमें पता करना है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि ये एक प्रक्षेप है जो कि h ऊंचाई से यहाँ इस आनत तल पर गिरता है। तो इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, ये पूरी ऊंचाई जो है ये कितनी है, ये ऊंचाई है h के बराबर और ये इस आनत तल पर गिरता है यहाँ पर। तो इसका जो आनत तल का जो आनत कोण दे रखा है वो कितना है, थीटा। तो चूंकि ये वाला जो कोण है वो थीटा है तो ये वाला जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा, ये होगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। और चूंकि ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा होगा, क्योंकि यहाँ से ये परावर्तित हो जाता है तो परावर्तन के नियम से ये वाला कोण थीटा होगा। तो अगर यहाँ से जो क्षैतिज से ये वाला जो इसका कोण निकाले, ये वाला कोण ये कितना हो जाएगा, चूंकि ये वाला जो पूरा कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ से जो हमें प्रक्षेप कोण मिला, जो हमें प्रक्षेप का कोण मिला ये कितना मिल गया, ये मिल गया 90 माइनस 2 थीटा के बराबर। अब चूंकि जो प्रक्षेप है अगर उसका द्रव्यमान स्मॉल m माने, तो अगर प्रक्षेप का जो द्रव्यमान है उसको स्मॉल m माने, तो ये चूंकि h ऊंचाई से गिरता है और यहाँ पर जो इसका वेग है, जो कि इस प्रक्षेप का जो वेग होगा प्रारंभिक वेग वो हो जाएगा। तो प्रक्षेप का वेग को अगर v माने तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, चूँकि ये h ऊंचाई से गिरता है तो यहाँ पर जो इसकी ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी और इसका मान होगा mgh। और यहाँ पर जो इसकी कुल ऊर्जा होगी ये इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी जिसका मान होगा mv² तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ½mv² बराबर mgh। तो यहाँ से m कट जाएगा और v² का मान जो आएगा वो हो जाएगा 2gh के बराबर। तो यहाँ से जो v का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा √2gh के बराबर। तो यहाँ से हमें जो प्रक्षेप का वेग है उसका मान मिल गया कितना, √2gh के बराबर। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ से जो प्रक्षेप है वो पहली बार आकर इस आनत तल से l दूरी पर यहाँ पर आकर मिलता है और यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है वो l है। तो हमें इसी l का मान पता करना है, तो हमें दूरी जो l है इसी का मान पता करना है कितना होगा। तो यहाँ पर ये जो इस बिंदु पर गिरता है तो इस बिंदु पर गिरने से जो इसका x घटक आएगा वो कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी अगर उसको x लिखें तो जो x का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, चूँकि ये जो पूरी लंबाई है वो है l और यहाँ पर जो कोण है वो है थीटा। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा का मान लिखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बटे l के बराबर। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l cos थीटा। और इसी प्रकार अगर हम sin थीटा का मान यहाँ से लिखें और इसकी जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसको y लिखें, तो यहाँ से जो y का मान आएगा, sin थीटा का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा y बटे l के बराबर। तो यहाँ से जो y का मान आ गया वो कितना, ये हो जाएगा l sin थीटा। अब चूंकि ये जो y है ये नीचे की दिशा में है, मतलब ये ऋणात्मक y की दिशा में आ रहा है, इसलिए हम y का मान यहाँ पर माइनस l sin थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें जो x का मान मिला वो कितना मिला, ये मिला l cos थीटा। और जो y का मान मिला वो कितना मिला, ये मिला माइनस l sin थीटा के बराबर। अब प्रक्षेप गति में जो पथ का, प्रक्षेप के पथ का जो समीकरण होता है उसको लिखते हैं। तो प्रक्षेप के पथ का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर x इंटू टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u² कॉस स्क्वायर अल्फा, जहाँ पर जो अल्फा होता है वो प्रक्षेप का कोण होता है। और यहाँ पर जो प्रक्षेप का कोण है, प्रक्षेप का कोण अल्फा, इसका जो मान है वो कितना है, वो 90 माइनस 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो y का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x tan अल्फा माइनस ये हो जाएगा g x स्क्वायर और 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं कितना, sec स्क्वायर अल्फा के बराबर बटे ये हो जाएगा 2u². अब हम इसमें x y अल्फा g x और u का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर जो y का मान था वो कितना था, ये था माइनस का l sin थीटा बराबर x का मान था कितना, l cos थीटा इंटू टेन। और अल्फा का जो मान है वो कितना है, ये है 90 माइनस
टू थीटा के बराबर थी, जगह 90 माइनस टू थीटा माइनस जी इंटू एक्स का जो मान है वो कितना है, वो है एल कॉस थीटा के बराबर थी, वो जगह एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर 90 माइनस टू थीटा बटे ये हो जाएगा टू इंटू यू का मान जो है वो कितना है, यहाँ पर जो यू का मान है वो इसका जो प्रक्षेप है उसका वेग है, और यहाँ पर जो प्रक्षेप का वेग का मान हमने निकाला था वो कितना है अंडर रूट टू जी एच के बराबर, जिसको हमने यहाँ पर वी से लिखा है, तो ये हो जाएगा कितना अंडर रूट टू जी एच का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा कितना माइनस एन माइनस एल साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, और टेन 90 माइनस टू थीटा का मान होता है कितना, ये होता है कॉट टू थीटा माइनस ये हो जाएगा जी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस सेक स्क्वायर टू थीटा के बराबर, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा दो दूनी चार जी एच के बराबर। तो यहाँ से अगर हम इसको हल कर तो यहाँ से जो यहाँ जी से जी है ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो समीकरण आएगा वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर टू थीटा बटे फोर एच, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा एल साइन थीटा प्लस एल कॉस थीटा इंटू कॉट टू थीटा के। तो यहाँ से एल कॉमन लेकर और कैंसिल कर देंगे तो एक एल से एक एल कट जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास जो समीकरण आएगा वो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एल कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर टू थीटा बटे फोर एच का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉट टू थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एल का मान निकालें तो जो एल का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, एल का मान यहाँ से आ जाएगा फोर एच बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर टू थीटा इंटू ये हो जाएगा कितना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉट टू थीटा के बराबर। तो इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से जो एल का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा फोर एच इंटू एक बटे कोस स्क्वायर टू थीटा को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टू थीटा बटे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉट टू थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस टू थीटा बटे साइन टू थीटा के बराबर। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं एल बराबर ये हो जाएगा फोर एच इंटू यहाँ से हम साइन टू थीटा को टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये साइन टू थीटा को अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा कितना साइन टू थीटा, और ये हो जाएगा कितना साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा प्लस ये हो जाएगा कितना कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें हल करने पर ये मिला, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल बराबर ये हो जाएगा फोर एच इंटू ये हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस टू थीटा का जो सूत्र होता है साइन थीटा के रूप में वो क्या होता है, वो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बट्टे में कितना साइन टू थीटा के बराबर। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, और यहाँ पर जो हमें एल का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 16 एच इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कितना कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जो बट्टे में साइन टू थीटा है इसको भी हम खोल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से प्लस का टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा से कट जाएगा, और हमारे पास जो एल का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 16 इंटू एच इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कितना कॉस थीटा बट्टे ये हो जाएगा टू साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल होगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये एट टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो एल का मान मिला वो कितना मिला, वो मिला एट एच इंटू साइन थीटा के बराबर। और हमें पता क्या करना था, हमें एल का ही मान पता करना था। तो यहाँ पर जो एल का मान मिला वो कितना मिला, एट एच साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।